हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. दिस इज़ पूजा. वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग. आज अर्ली मॉर्निंग आई एम स्पेंडिंग सम टाइम विद माय प्लांट्स एंड दिस इज़ माय टोमेटो प्लांट एंड आई एम हेल्पिंग इट पॉलिनेट. सो कहते हैं इससे पॉलिनेशन बढ़ता है. गाइज, यहाँ चल रहा है प्रोसेस मक्खन निकालने का. ये मलाई बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी. ये एक बैच है और ऐसे ही एक और बैच थी, इतनी नहीं बट थोड़ी, और इसकी प्रॉपर्ली 1/4, तो वो मैंने ऑलरेडी इसमें डाल रखी है. अब वो हो जाए फिर ये डालूँगी. मक्खन निकालना है, फिर घी बनाना है, बहुत सारे काम हैं आज. तो शुरू करते हैं, एक एक करके काम निपटाना शुरू करते हैं. तो गाइज, अब चल रही है लंच की तैयारी और लंच में मैं बना रही हूँ मेथी के पराठे. थेपले बनाऊंगी या पराठे बनाऊंगी, आई एम नॉट श्योर. और हम जो है ना यूज़ करते हैं ये छोटी वाली मेथी, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा करती है. इसमें बहुत गुण है. एज एंड व्हेन दे ग्रो, लाइक बोलते हैं ना, माइक्रो ग्रीन्स में सबसे ज़्यादा बेनिफिट न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती हैं. द स्मॉलर द ग्रीन द बेटर न्यूट्रिशनल वैल्यू इट कैरीज. सो हम ये छोटी वाली मेथी यूज़ करते हैं. और इसको मैं क्या करती हूँ, इसको मैं 2-3 बार अच्छे से धो लूँगी और थोड़ी देर पानी में भिगो दूँगी. उससे जो भी इसकी कड़वाहट है वो सारी निकल जाएगी एंड खाने में बहुत ही यम्मी लगेगी, बिल्कुल कड़वी नहीं लगेगी. बच्चे भी बहुत मज़े से खाते हैं. चलो मैं इसको पहले अभी ड्रेन कर लेती हूँ. ड्रेन करके इसको 2-3 बार वॉश करके फिर इसको सोक कर दूँगी. ये देखिए, ये सारा डर्ट और जो भी मिट्टी विट्टी लगी रहती है वो सब. अब ये प्रोसेस मैं 2-3 बार रिपीट करूँगी और उसके बाद सोक कर दूँगी. तो यहाँ चल रही है सेटअप की तैयारी. ये बड़ी प्लेट मैंने निकाली है जिसमें मैं आटा लगाऊँगी, बिकॉज एज आई सेड आई एम गोइंग टू शूट दिस. और इसमें ये मसाला बॉक्स मुझे एक ब्रांड ने भेजा था, सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस. जब जल्दबाजी में काम करते हैं ना, मैस अप तो होता ही है, थिंग्स गेट मेस्ड अप. बस मुझे ये है मेरा बैकड्रॉप खराब ना हो. प्लेट हो, इट्स ओके, प्लेट को तो वॉश किया जा सकता है. अब फटाफट से इसमें मसाले खाली कर लूँगी एक एक करके. क्या क्या करना पड़ता है देखो गाइज, एक 30-40 सेकेंड की रील के लिए. और फिर जब रील पिटती है ना, कसम से इतना दुख होता है, इतना दुख होता है कि मैं शब्दों में बता नहीं सकती आपको. फॉर दैट मोमेंट तो मेरे बच्चों को भी पता होता है कि अब अगर मम्मा को छेड़ा ना तो अब तो पिटाई है, तो दूर ही रहो इनसे. बिकॉज दे नो जब मम्मा मेहनत करके जब रील पिटती है ना, मम्मा बहुत दुखी होती है. और कई बार तो पता है रैंडम वीडियोस जो हमने रैंडमली ऐसे ही लेके डाल दी होती है, जैसे मैंने अभी रिसेंटली कुल्फी फालूदा की डाली थी रैंडमली, जिस पे हमने कोई मेहनत नहीं की है, बस कोई बना रहा है, हमने शूट कर ली, वो चल जाती है. और जो हम मेहनत करके बनाते हैं वो पिट जाती है. बहुत दुख होता है, बट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, कांट हेल्प इट. उस वक्त तो लगता है यार छोड़ो छाड़ो, कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं जाना, बट फिर लगता है नो, वी विल नॉट गिव अप. हम काम करेंगे, अपना काम करेंगे. फल मिलना नहीं मिलना भगवान की मर्जी. अब ये हो गए, इसमें मसाले डल गए. इसको यहाँ आउच गिरे ना. ओके, वो कैसे सजाना है वो मैं बाद में देखूँ. चलो गाइस, शुरू करते हैं प्रोसेस. सो ये है फाइनल सेटअप. मसाले भर दिए, रिंग लाइट एवरीथिंग आ गई है. अब मैं स्टार्ट करूँगी अपना शूट. Thank you.
तो गाइस जैसा कि आपने देखा इसमें मैंने पहले डाला गेहूं का आटा, 1 कप गेहूं का आटा, आधा कप मक्की का आटा, उससे कम बाजरा और 1/4 कप बाजरे का आटा और 1/4 कप ज्वार का आटा। उसमें मैंने डाली अजवाइन, हरी मिर्च, लाल मिर्च, सौंफ, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, सॉल्ट और ये सारे मसाले, हल्दी एंड एवरीथिंग। और फिर मैंने डाला 1 चम्मच घी और कटा हुआ मेथी। अब मैं इस आटे को लगा लूँगी एंड देन आई रोल द पराठास। तो गाइज आटा गूंदने का प्रोसेस ख़त्म हो गया। उसके बाद वो मैंने हटाया और यहाँ पे रखा है इंडक्शन, क्योंकि अब सेकने का प्रोसेस शूट करना है। उसके बाद धीर को खाना दूंगी, वो स्कूल से आ गया एंड ही सुपर सुपर हंग्री। लगे धीरू? अमेजिंग, नाइस। तूने मिर्च नहीं खाई? मिर्च का अचार स्पाइसी, इट्स ओके, इतना स्पाइस खाना चाहिए। मिर्ची बहुत अच्छी है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है हरी मिर्च। यू शुड ईट, लर्न टू ईट। देख परी खाना सीख गई। ये देखिए गाइस, ये हाल है इस बार के मक्खन का। हांडी पूरी भर गई है, यूजुअली इतनी भरी हुई कभी होती नहीं है। इस बार मलाई बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी एंड एज आई सेड काफ़ी रीजंस थे जिन वजह से मैं व्लॉग्स भी नहीं कर पा रही थी, मैं मक्खन भी नहीं निकाल पाई। तो आज मैंने निकाला और बहुत टाइम लगा, बिकॉज मलाई क्या है, मैं फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ ताकि टेस्ट और स्मेल ना आए उसमें, टेस्ट इंटैक्ट रहे और स्मेल ना आए, फाउल स्मेल, अदरवाइज़ फ्रिज में ख़राब हो जाती है। और कल रात मुझे निकाल के रखनी थी फ्रीज़र से, जो मैं भूल गई, मैंने आज सुबह ही निकाली, तो उस चक्कर से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया आज मेरे को। तो फटाफट ये मक्खन अलग करती हूँ, इसको रिंस करना पड़ेगा ठंडे पानी में। तो ये निकला है गाइस हांडी में से, ये 2 बर्तन भर के। बट क्या ये सारा का सारा मक्खन है? नो, इसको एक बार और चर्न करेंगे, इसमें से मक्खन अलग पानी अलग करेंगे। और ये जो हांडी में बचा है दिस इज़ बटर मिल्क, बट ये किसी काम की नहीं है क्योंकि ये मलाई से निकली हुई है। अगर दही जमा के बटर चर्न करते तो वो बटर मिल्क हम पी सकते थे या कढ़ी बनाने में किसी में भी यूज़ कर सकते थे। ये मलाई से निकली हुई है इसीलिए आई डोंट यूज़ दिस। बस इसमें से जो मक्खन था वो सारा निकाल लिया है, अब ये वाला मैं गिरा दूंगी। इसको दोबारा हांडी में डाल के ठंडे पानी से, बर्फ़ वाले पानी से एक बार वापस चर्न करूंगी, तो पानी अलग और मक्खन अलग हो जाएगा। तो ये देखिए गाइस, मक्खन की बॉल्स बननी शुरू हो गई हैं। वहाँ पे मैंने 3 बॉल्स ऑलरेडी बना ली हैं एंड बिलीव मी, ये है ना, ये बचपन की याद दिलाता है, जो मम्मी, जब हम छोटे थे मम्मी ऐसे मक्खन बनाती थी और हमें देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हमें लगता था ये कितना मैसी अफेयर है। पर आज पता चल रहा है इसकी क्या वैल्यू है एंड इट इज़ सो थेरेप्यूटिक, बिलीव मी, दिस एंटायर प्रोसेस इज सो 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 थेरेप्यूटिक। और कितना मक्खन निकला है ये मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें से मक्खन अलग और पानी अलग होगा, ये देखिए मक्खन अलग निकल रहा है और पानी अलग रह जाएगा। इस बॉल में से सारा मक्खन स्क्वीज आउट कर लेंगे, सारा वाटर स्क्वीज आउट कर लेंगे और सिर्फ मक्खन को हम निकालेंगे। सो ये है गाइस, फाइनली ये मक्खन निकला है। कितना निकला है क्वांटिटी वाइज तो मैं नहीं बता सकती, बिकॉज मैंने बॉल्स बना के निकाले हैं तो आई डोंट नो। बट घी जब निकालूंगी तब मैं आपसे डेफिनेटली शेयर करूंगी कि कितना क्वांटिटी निकला। बस अब इसको रखूंगी फ्रिज में, घी बाद में निकालूंगी, आज टाइम नहीं होगा। बज रहे हैं 3:30
और मुझे कल वाला व्लॉग भी अपलोड करना है यूट्यूब पे, तो वो करूँगी। इस बीच क्या हुआ, एक्चुअली विपुल का फ़ोन आ गया था कि ऑफिस में कोई आया हुआ है, सो चाय और नाश्ता भेज दो, सो आई सेंट दैट। बस गाइज, अब मैं जा रही हूँ और आई विल अपलोड कल वाला व्लॉग। हाय धीरू, कल वाला व्लॉग अपलोड करूँगी, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, चाय पीऊँगी, फिर मिलती हूँ आपसे। अपनी गन वगैरह उठा यहाँ से धीर, अपनी गन उठा यहाँ से। वीडियो अपलोड कर दी थी, सो इन केस इफ़ यू हैवन वॉच्ड इट, प्लीज़ गो वॉच इट नाउ। उसके बाद मैंने ये हांडी और मशीन अच्छे से वॉश करके यहाँ धूप में रख दी है। दिस इज़ वॉट आई डू वेन एवर आई यूज़ दिस मशीन एंड हांडी, यहाँ न्यूज़पेपर बिछा के और धूप लगाने के लिए रख देती हूँ, और जब ये सूख जाए तो आई कीप इट बैक इन प्लेस। धूप लग जाएगी तो इसमें स्मेल नहीं रहेगी, अदरवाइज इसमें स्मेल आएगी। बस एंड इन केस इफ़ यू वॉन्ट टू नो कि ये मशीन मैंने कहाँ से ली, मैंने एक डिटेल वीडियो की है इसके बारे में, मे बी आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन चेक दैट आउट। सो ये बना है खाने में, दिस इज़ ग्रीन पीस मसाला। इसको खाया जाता है ब्रेड के साथ विद वाइट बटर, ब्रेड पे वाइट बटर लगा के, और ये ग्रेवी के तौर पे खाया जाता है। दिस इज़ स्वीट टैंगी एंड स्पाइसी, बहुत ही यम्मी लगती है। ऑल द चेन्नईआइट्स कैन रिलेट व्हेन आई से ग्रीन पीस मसाला, ये यहाँ के एक रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी है। और यहाँ पे बन रहा है घी, और विपुल मेरी हेल्प कर रहे हैं बिकॉज ही वॉज़ बैक होम, सो ही सेड ही विल हेल्प मी आउट, सो ही इज़ हेल्पिंग मी, क्योंकि ही वॉज़ वेरी हैप्पी टू सी इतना सारा मक्खन, दैट्स वाई इतने मेहरबान है ना विपुल। यस, तो ये था डिनर गाइस, अभी हम लोग करेंगे डिनर। एंड आई जस्ट रियलाइज कि सुबह से मैं अपनी शक्ल व्लॉग में अब दिखा रही हूँ, एंड हुआ ये कि सुबह से काम बैक टू बैक कोई ना कोई वर्क था, एंड लंच भी एक साथ फ्री नहीं हो पाई मैं बिकॉज विपुल डिडंट कम ऑन टाइम। और ये जो आज पराठे बनाए थे मैंने, वो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, तो आई हैड टू मेक इट अगेन फॉर विपुल। एंड नीचे कोई आ गया था ऑफिस में, मच्छर बहुत है, नीचे कोई आ गया था ऑफिस में, सो हैड टू सेंड चाय नाश्ता नीचे, तो उस चक्कर में बैक टू बैक मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग रह गए थे। और हाँ गाइज, जो रील आज मैंने डाली, फाइनली मेहनत सफल हो गई, रील अच्छी चली, आई वॉन्ट से बहुत अच्छी चली, बट हाँ ठीक चली, अच्छी चली, आई एम हैप्पी। और बस अभी हम डिनर करेंगे, आई थॉट आई वाइंड अप। मैं इनफैक्ट आई हैड माई शावर ऑल्सो लेट इवनिंग, मैंने अपना शावर लिया है आज, सुबह से मैं नहाई भी नहीं थी प्रॉपरली, दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न क्यों मैं ब्लॉग में नहीं दिखी। सो या दैट्स इट, अभी हम लोग खाएंगे डिनर और उसके बाद बच्चे सो जाएंगे, आकृति लेट नाइट स्टडीज़ करेगी। सो दैट्स इट, आई थॉट आई एंड दिस व्लॉग हियर, आई होप यू लाइक्ड वॉचिंग इट, एंड इफ सो प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले फ्रेंड्स, बिकॉज ओनली देन यूट्यूब विल नोटिफाई यू फॉर ऑल माई अपकमिंग वीडियोज। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन मैट एंड लैडल, दैट इज़ माई इंस्टाग्राम पेज, फॉर सीइंग ऑल माई हिट एंड फ्लॉप रील्स, जिनके लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ। एंड आज की रील के लिए मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला काफ़ी फ्रेंड्स से, और एक स्पेशल फ्रेंड से अप्रिसिएशन मिला, एंड उसका अप्रिसिएशन मैटर्स अ लॉट टू मी। सो आई बिलीव प्रॉपर्ली यू नो लोगों को पसंद आई है रील, बिकॉज माई फ्रेंड सेड कि तेरी मेहनत दिख रही है, बिकॉज इतने फ्रेम्स चेंज हुए हैं रील में, 4 फ्रेम्स तूने चेंज किए हैं, सो दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्डवर्क एंड टाइम, तो वो दिख रही है रील में। सो आई वॉज़ हैप्पी कि चलो व्यूज़ उतने ना आए, इट्स ओके, बट पीपल आर लाइकिंग द वर्क, पीपल आर अप्रिशिएटिंग, दैट मैटर्स अ लॉट। और मेहनत जब काम में दिखती है एंड पीपल नोटिस दैट, दैट मैटर्स अ लॉट टू मी, सो आई वॉज़ हैप्पी। सो ऑन दिस हैप्पी नोट, लेट्स एंड दिस व्लॉग हियर फ्रेंड्स, सी यू टुमारो ऑन अ न्यू डे विद अ न्यू व्लॉग, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।